अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। अल्लाह करे हम सब के अल्लाह रोज़े इबादत को और सारी हमारी दुआओं को कबूल करे, आमीन। आज की वीडियो जो है स्पेशली उन लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो हिजाब करती हैं और जिन्हें ये डर लगा रहता है कि अगर वो चाइना आएंगी तो क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्कूल की तरफ से या फिर चाइना गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती हिजाब पहनने में, या कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ती है। तो इसका सबसे सिंपल आंसर यह है कि चाइना के अंदर हिजाब वगैरह पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप इजीली हिजाब कर सकते हो जिस तरह आप कंफर्टेबल समझो, कोई आपको हिजाब करने से नहीं रोकता। लेकिन कुछ ऐसे टाइमिंग्स होती हैं और डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी सिटी जो है वो मतलब बड़ा सिटी बहुत मशहूर जहाँ पहले से फॉरेनर्स हैं, या फिर कोई छोटा सिटी है जहाँ पे पहले से फॉरेनर्स नहीं है, इतना आम नहीं है, आप फर्स्ट टाइम हो और मुस्लिम भी इतने नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको ट्रबल फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ तो जब फर्स्ट टाइम हम आए थे चाइना के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले हम आए थे पाकिस्तान से चाइना का उरमची एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो उरमची एयरपोर्ट पे जो है माइग्रेशन वाला है आप लोगों का स्टेप होता है, तो उसमें ये होता है कि आपका वो लोग सबसे पहले जो है वो चेकिंग करते हैं, वो अच्छे खासी चेकिंग होती है, मतलब जूते वगैरह आपके सब उतरवाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, और उसमें अगर आपने हिजाब पहना हुआ है तो आपका हिजाब भी रिमूव किया जाता है। और वो ये नहीं है कि सेपरेट रूम होगा जिसमें आपकी मतलब चेकिंग की जाएगी तो हिजाब उतरवाया जाएगा, वो सब जितने भी मतलब चेक करवाने वाले होते हैं, जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, जितना भी स्टाफ होता है, वो सबकी एक साथ ही कर रहे होते हैं, तो सबके सामने ही आपका हिजाब रिमूव होता है उस पॉइंट पे, और वो मस्ट होता है हिजाब रिमूव होना कि वो चेकिंग वगैरह करते हैं और फिर वो आपको चाइना में इंटर होने देते हैं। तो ये हमारे साथ पर्सनली ऐसा हुआ था। और मेरी जो एक फ्रेंड है वो परमानेंट मतलब हिजाब करती है, इवन कि उसको पहले ऐसा आइडिया नहीं था, जब वो उरमची में आई थी एयरपोर्ट पे तो तब उसके साथ ऐसा मतलब उन्होंने चेक किया। इसके अलावा मतलब जब आप अपना वीज़ा वगैरह रेजिडेंस परमिट रिन्यू करने के लिए जाते हो, ये वाला स्टेप जो है ये डिपेंड करता है कि अगर आप बेजिंग शंघाई में हो तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि पहले से बहुत फॉरेनर्स होते हैं, लेकिन जब छोटे मोटे शहर होते हैं जिस तरह के मेरा जो बहुत छोटा सिटी था और उसमें कोई पहले फॉरेनर नहीं था हुआंगशी, तो उसके अंदर हिजाब वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो जब हम अपना रेजिडेंस परमिट रिन्यू करवाने के लिए फर्स्ट टाइम गए थे बनवाने के लिए, तो तब वो आपकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे खैर इतना मतलब नहीं था, मेल था जो फोटो वगैरह वाला जो काम है वो करता है, तो उसने मेरी फ्रेंड को मतलब हिजाब रिमूव करने को कहा, लेकिन वो मतलब आप जितना मर्जी उनको कह दो एज अ स्टूडेंट तो वो आपकी नहीं सुनते, आपको हिजाब रिमूव करना ही होता है फोटो क्लिक करने के लिए। लेकिन अगर आपके साथ मतलब आपका कोई टीचर है या फिर आपका कंसल्टेंट है या जिनको आप पहले से बता सकते हो कि मतलब हम हिजाब रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर उनसे बात कर लेते हैं, पुलिस वगैरह से जो भी माइग्रेशन ऑफिस में होती हैं तो उनसे बात कर लेते हैं, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको हिजाब रिमूव करवाना नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बात करने वाला नहीं है तो फिर वो मतलब करवाते हैं कि आपको हिजाब रिमूव करना पड़ेगा। वो जो छोटे छोटे सिटीज होते हैं जो मतलब इतने फेमस नहीं है, जहाँ पे फॉरनर इवन के मुस्लिम्स नहीं होते, तो जहाँ पे हलाल फूड मिलने में भी प्रॉब्लम होती है, उनमें इसकी हिजाब की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर, अगर आप हिजाब करते हो आप मेंटली प्रिपेयर होकर आओ ताकि आपको फर्स्ट टाइम इतना मतलब प्रॉब्लम ना हो और आपको पता हो कि चाइना के अंदर क्या रूल्स है क्या रूल्स नहीं है हिजाब से रिलेटेड। और इसके साथ साथ मतलब अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हो, वैसे ये वाला जो चीज़ है ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है जिन यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल में रोटेशन के उसमें टाइम आप सर्जरी वार्ड में जाते हो अपने टीचर के साथ, तो उन हॉस्पिटल्स में जिनमें पहले से फॉरेनर स्टूडेंट्स नहीं गए आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, ठीक है, तो वो फिर सर्जरी वार्ड के अंदर जो वहाँ की मैनेजमेंट होती है वो कहती है कि नहीं आप सर्जरी वार्ड में जो है वो स्कार्फ नहीं पहन के जा सकते, सिर्फ कैप होती है तो आपसे वो ही ले सकते हो, आप नहीं पहन के जा सकते, तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत ट्रबल फेस करनी पड़ती है। कुछ है कि मान लेते हैं, कुछ है नहीं मानते, लेकिन अगर आपके यूनिवर्सिटी का जो आपका प्रोफेसर है अगर आप उससे सही से मतलब उन्हें बता दो, सही से समझा दो, तो वो प्रोफेसर उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से बात कर ले तो फिर वो एग्री हो जाती है, और वो भी बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो एग्री होते हैं, वरना वो ये खासतौर पर सर्जरी वार्ड में एग्री नहीं होते हैं, तो उनकी यही कोशिश होती है कि आप हिजाब को रिमूव करो। लेकिन अब काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर
चाइना के अंदर, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स आना स्टार्ट हो गया है, तो अब अलाउ कर देते हैं। वैसे तो दूसरे सिटीज इवन की मेरी यूनिवर्सिटी में भी अब अलाउ किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम सर्जरी वार्ड में जाते थे तो उन्होंने बहुत ट्रबल की थी, लेकिन रिमूव नहीं करवाया था, लेकिन ट्रबल की थी, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं लेके जा सकते हो, ये है वो है, सिर्फ कैप ही लेके जा सकते हो। तो वो फिर हमारे जो हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर था, हमने उनसे बात की थी, प्रोफेसर ने फिर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात की थी, तब उन्होंने अलाउ किया था स्कार्फ ले जाना। तो इस तरह मतलब छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन आप उनको भी कवर कर सकते हो। लेकिन जो एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है आपकी, उसमें आपको मतलब वो कंफर्म होता है कि आपको करवाना है, फर्स्ट टाइम जब आप आते हो खासतौर पे रिमूव करना होता है। लेकिन बाकी जो है वो आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी को बता दो कि आप नहीं रिमूव कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है, तो वो हर रेजिडेंस परमिट वाले उस पे और या फिर आपके अस्पताल वगैरह में, सर्जरी वार्ड वगैरह में, वो आपको कुछ नहीं कहती हैं। तो वैसे बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन इस तरह की दो तीन इंसिडेंट होते हैं। और अगर आप लोगों के साथ कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, और उनके साथ, ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले जिनको इसके बारे में नहीं पता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।